For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. बॉलीवुड के साथ जुड़ने वाला है जल्द हॉलीवुड, और ये भी करण जौहर की फिल्म में, यानी कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट टू में। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर से क्या खबर लाया हूं मैं, राहुल भोज। सबसे पहले आपको बता दूं कि बागी 2 की सक्सेस के बाद से ही जो टाइगर श्रॉफ है वो अपनी अपकमिंग फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट टू की शूटिंग में लग गए थे, जिसका स्केड्यूल जो था वो देहरादून में कंप्लीट होता है, उसके बाद मुंबई में भी इसका सेट लगता है और मुंबई में भी इसकी शूटिंग धड़ल्ले से शुरू हो जाती है। अब ऐसे में दोस्तों हॉलीवुड के एक बहुत बड़े एक्टर हैं जो कि ब्लैक अमेरिकन एक्टर हैं, जिनका नाम है विल स्मिथ, जिन्हें आप लोगों ने इंडिपेंडेंस डे में देखा होगा, सुसाइड स्क्वाड में देखा होगा और बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। तो भाई ऐसे में विल स्मिथ जो हैं वो अब आ रहे हैं बॉलीवुड की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट टू में। जी हाँ, सेट पर से कुछ पिक्चर्स आई हैं जहां पर स्टेज पर थिरकते हुए नजर आएंगे वो टाइगर श्रॉफ के साथ। एक स्पेशल कैमियो एंट्री है जहां पर विल स्मिथ भी होंगे, टाइगर श्रॉफ भी होंगे और अनाया पांडे होंगी जो कि चंकी पांडे की डॉटर हैं, तारा सुतारिया भी होंगी। इस फिल्म से तारा सुतारिया बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं अलॉन्ग विद अनाया पांडे, और फिल्म होने वाली है डांस म्यूजिक मस्ती से भरपूर। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि हॉलीवुड एक्टर्स किस तरीके से बॉलीवुड की फिल्मों में काम करेंगे। पास्ट में हमने देखा था दोस्तों, जब शाहरुख खान के साथ ह्यूग जैकमैन ने पैर थिरकाए थे, मतलब फिल्म के अंदर नहीं थे लेकिन स्टेज में थिरकाए थे। अब इसमें विल स्मिथ खुद पैर थिरका रहे हैं टाइगर श्रॉफ के साथ। मैं तो सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि विल स्मिथ एक्टिंग की दुनिया के एकदम बेताज बादशाह हैं, और डांसिंग की दुनिया की अगर मैं बात करूँ तो भैया टाइगर श्रॉफ को पीछे कैसे रख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपका क्या है रिएक्शन इस बात को लेकर, और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग बातें मैं लाऊंगा राहुल भोज आप लोगों के लिए। टेक केयर।